मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई डॉक्टर आरती जैन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैटायोनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। लास्ट टाइम में हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को डिस्कस किया है, अब आज हम कैटायोनिक मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। और कैटायोनिक मैकेनिज्म में कई चीजें हैं जो की वर्ड्स हैं, पहले हमको उनको समझना है, उसके बाद हम वन बाय वन इन स्टेप्स को समझेंगे। तो सबसे पहले कैटायोनिक मैकेनिज्म में जो थ्री स्टेप्स होते हैं वो तो सिमिलर टू फ्री रेडिकल जैसे ही है। फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन, सेकेंड इज चेन प्रोपेगेशन, थर्ड इज चेन टर्मिनेशन। ये तीन स्टेप्स में पूरी प्रोसेस होगी, अलग अलग स्टेप्स को अपन डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन दो चीजें हैं वो आपको समझना है, सबसे पहले तो नेचर ऑफ इनिशिएटर, सेकेंड थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोमर। दो चीजें हम अगर समझ लेंगे तो फिर हम देख पाएंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर पॉलीमराइज होंगे। सबसे पहले जो हम इनिशिएटर सिलेक्ट करते हैं, उस इनिशिएटर में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, SnCl4, BF3, AlCl3। इन सारे जितने भी जो इनिशिएटर हमको दिखाई दे रहे हैं उनको हम लुईस एसिड या फ्रीडम क्राफ्ट कैटेलिस्ट बोलते हैं। लुईस एसिड या फ्रीडम क्राफ्ट कैटेलिस्ट, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन देखते हैं। ये जितने भी जो आपको इनिशिएटर दिखाई दे रहे हैं दे आर कैटायोनिक इन नेचर, मींस इनमें कहीं ना कहीं इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो है वो कहलाती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब कैटायोनिक नेचर की होंगी या पॉजिटिव नेचर की होंगी। तो एक चीज हमने यहाँ पे समझ लिया है कि जो इनिशिएटर जो होते हैं वो कैटायोनिक नेचर के हैं, इस वजह से इसका मैकेनिज्म का जो नाम है वो कैटायोनिक मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, मतलब इनिशिएटर भी कैटायोनिक होगा। मोनोमर जब यहाँ पर जब पॉलीमराइज होगा उस समय कैटायोनिक स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा और टर्मिनेशन के समय भी हम कैटायोनिक स्पीसीज को ही खत्म करने वाले हैं। दूसरी चीज यहाँ पर समझने वाली है वो है मोनोमर की कैरेक्टर। जो मोनोमर होता है उसको हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये लगाया है मैंने SG। SG का फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप। इन सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप की जगह पर हम जब कुछ ग्रुप्स को लगाते हैं तो अलग अलग टाइप के मोनोमर बनते हैं और उनके नेचर भी चेंज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इसको पॉलीमराइज करेंगे। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप जो लगाए हुए हैं उनको देखिएगा, उनको हम लगा सकते हैं OCH3, OC2H5 या C6H5। इनको हम लगा सकते हैं। इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो यहाँ पर जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब रिलीज करेंगे तो ये डबल बॉन्ड जो है इस पर आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी मतलब वो नेगेटिव मतलब वो जो है नेगेटिव तरीके से बिहेव करेगा, तो हमारा इनिशिएटर है पॉजिटिव और मोनोमर है नेगेटिव, तब जाकर के ये जो है दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और दोनों के बीच में रिएक्शन होकर के ही ये पॉलीमराइज होंगे। मतलब रिएक्शन हमेशा दो ऑपोजिट नेचर के जो आपके ग्रुप्स रहेंगे उनके बीच में होता है। इनिशिएटर जो है वो पॉजिटिव है और मोनोमर जो है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच या नेगेटिव नेचर का है, इस वजह से दोनों के बीच में जो है वो रिएक्शन होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टेप नंबर वन, और स्टेप नंबर वन जो है वो चेन इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में हमको दो काम करने होते हैं, एक तो हमको इनिशिएटर चाहिए है और उस इनिशिएटर को फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर के साथ ज्वाइन कराना है, इतना काम हमको इनिशिएशन में करना होता है। तो देखिएगा रिएक्शन, जो हमारा इनिशिएटर जो था जिसको अपन लुईस एसिड बोल रहे थे उसमें हमने एक एग्जांपल लेकर के इसको समझाया है, जैसे SnCl4 दिस इज स्टेरिक क्लोराइड। अब ये स्टेरिक क्लोराइड सबसे पहले रिएक्ट विद वॉटर के साथ रिएक्शन करने के बाद हमको ये मिलता है यहाँ पर SnCl4OH- और एक मिला हमको यहाँ से H+ का ये रिमूवल हुआ। यही H+ जो है इट इज एक्ट एज अ इनिशिएटर या इनिशिएटर की तरह ये काम करेगा और यही पार्ट जो है वो मोनोमर के साथ ज्वाइन होगा। अब यहाँ पर जो H+
दिया यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल ग्रुप जो है वो हमने हमको बताया कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये जो हमने CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पर बेंजीन रिंग लगाया, इसका जो नाम बना है दिस इज स्टाइरीन, और ये स्टाइरीन जो है हमने यहाँ पर एज ए मोनोमर सिलेक्ट किया। तो ये स्टाइरीन है, इसमें लगा हुआ है ये यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो हाई हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो यहाँ पर हाई होगी। और अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ से H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव है और ये H प्लस के साथ यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, तो ये हो गया H प्लस। और यहाँ पर देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब हाई हुई, इसमें हो रहा है हेट्रोलिटिकल फिजन, जो बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड का जो फिजन हो रहा वो हेट्रोलिटिकल फिजन हो रहा है। हेट्रोलिटिकल फिजन होने से ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर आ गए, इस कार्बन पर आ गए, तो ये कार्बन हो गया है नेगेटिव नेचर का, और उसके ऑपोजिट में ये दूसरा जो कार्बन है वो पॉजिटिव हो गया। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जो है ऑपोजिट नेचर के होने की वजह से ये H प्लस जो है वो इसके साथ ज्वाइन हो गया, और जब ये इसके साथ ज्वाइन हो गया तो फाइनल इलेक्ट्रॉन को कैसा बना, CH2 कन्वर्टेड टू CH3, तो यहाँ पर हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH बेंजीन रिंग, और यहाँ पर लगा हुआ है पॉजिटिव आयन, इसको हमने बोला है कैटायोनिक स्पीसीज। मतलब इसमें ये हुआ कि जो इनिशिएटर जो कि पॉजिटिव नेचर का था, जब उसके मोनोमर के साथ ज्वाइन हुआ कंबाइन हुआ तो मोनोमर को उसने कैटायोनिक स्पीसीज में कन्वर्ट कर दिया, और ये हमारा मोनोमर अब हाईली रिएक्टिव हो गया, जो हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होने के लिए और रिएक्शन करने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। तो अब ये जो है मोनोमर अब यहाँ पर नेक्स्ट एन मॉलिक्यूल तक जो है जुड़ सकता है। तो इतनी चीज हम इनिशिएशन में पढ़ेंगे। इनिशिएटर को हमने यहाँ पर देख लिया कि ये यहाँ पर H प्लस आयन जो है वो इनिशिएटर की तरह रिएक्ट कर रहा है, और ये जो H प्लस आयन है ये यहाँ पर स्टाइरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, और स्टाइरीन जो कि मोनोमर है उस मोनोमर को वो कैटायोनिक स्पीसीज में कन्वर्ट कर रहा है, और ये हाईली रिएक्टिव हो गया जो कि हमारे प्रोपेगेशन के लिए अब बिल्कुल रेडी। अब नेक्स्ट जो हमारा हम जब लेंगे नेक्स्ट स्टेप तो वो है चेन प्रोपेगेशन। नेक्स्ट स्टेप इज चेन प्रोपेगेशन। सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपेगेशन। अब चेन प्रोपेगेशन की स्टार्टिंग कहां से होती है, जहां से हमने इनिशिएशन में छोड़ा था। तो इनिशिएशन में हमने ये देखा था कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना था वो हमारा CH3CH और ये बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर लगा हुआ था पॉजिटिव आयन, मतलब ये एक कैटायोनिक स्पीसीज का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे हमने छोड़ा था। अब ये जो कैटायोनिक स्पीसीज है ये हाईली रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है तो ये अब क्या करेगा, एन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर के साथ ज्वाइन होगा, मतलब एन मॉलिक्यूल को वो ज्वाइन कर सकता है। तो ज्वाइनिंग के लिए लिखिएगा आप कैसे लिखेंगे उसको थोड़ा सा लिखिएगा, देखिएगा CH3CH ये बेंजीन रिंग यहाँ पर लगा हुआ है पॉजिटिव आयन, और ये जो आपका मोनोमर है इसको आप टू टाइम्स लिखिए, ऑन पेपर भी अपने को लिखते बनना चाहिए तो वो टू टाइम्स लिखिएगा। तो टू टाइम्स लिखेंगे तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बेंजीन रिंग CH2 डबल बॉन्ड CH और ये फिनाइल ग्रुप लगा, इसको टू टाइम्स हमने लिखा। अब टू टाइम्स लिखने के बाद हमको यहाँ पर इसको ज्वाइन कराना है, तो ज्वाइन कराने के लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट एक बार याद कर लीजिए और समझ लीजिए उसको, कि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग का नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से विड्रॉ करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी तो, और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आयन है इसकी डिजायर है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर हो रहा ये है कि ये बॉन्ड का जो आपका पाई बॉन्ड है इसमें हो रहा है हेट्रोलिटिकल फिजन, और हेट्रोलिटिकल फिजन होने पर चूंकि इसके अट्रैक्शन के कारण ये जो कार्बन है इस पर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है उसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इन्होंने मिलकर के बना लिया है बॉन्ड, तो बॉन्ड बना लिया है तो ये यहाँ पर सेकेंड मॉलिक्यूल
कैटायोनिक स्पीसीज की तरह बिहेव करने लगा। तो ये कैटायोनिक स्पीसीज बन गए, मतलब जो कैटायन जो इनिशिएटर में था वो शिफ्ट हुआ पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ मोनोकार्बन, फिर फर्स्ट मॉलिक्यूल से आपका शिफ्ट हो गया सेकंड मॉलिक्यूल पर, तो सेकंड मॉलिक्यूल कैटायन की तरह बिहेव करने लगा। फिर यही पॉजिटिव आयन्स जो है अगेन पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने पर यहाँ पर ये बन जाएगा एक नेगेटिव सेंटर और दूसरा जो अपोजिट कार्बन वाला है उस पर बन जाएगा पॉजिटिव सेंटर। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव फिर यहाँ पर आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे और आपका कैटायोनिक जो है चार्ज जो है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से शिफ्टिंग होती चली जाती है और यहाँ पर फर्स्ट मॉलिक्यूल से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ और ऐसे करके लाखों मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़ सकते हैं। अब लाखों मॉलिक्यूल को ऑन पेपर शो करना है, ये हमारे पास एक टास्क रहता है कि ऐसे कैसे हम शो करें। तो उसको शो करने के लिए आप देखिएगा यहाँ पर जो आपने टू टाइम्स यहाँ पर इसको रिराइट किया हुआ था मोनोमर को, उसमें बीच वाले मॉलिक्यूल पर आप लगा दीजिए N-1। N-1 लगा दिया मतलब जो N मॉलिक्यूल जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें से N-1 मॉलिक्यूल तो यहाँ पर पॉलीमर बना चुके हैं, ये आपका पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन हो चुका है, स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन हो गया। जो लास्ट का जो मॉलिक्यूल है इट इज एक्ट एज अ कैटायोनिक स्पीसीज और ये अभी भी आगे आगे चेन को प्रोपेगेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है और ये आगे 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 जितने भी आप मोनोमर डालते जाएगा वो ज्वाइन होते जाएंगे। तो एक बार और समझते हैं प्रोपेगेशन को, इनिशिएशन से छोड़ने वाला जो अपना प्रोडक्ट था जिसको अपन कैटायोनिक स्पीसीज बोल रहे थे, मोनोमर को कैटायोनिक स्पीसीज में कन्वर्ट किया था, अब उसके साथ आप जुड़िएगा एन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर। तो एन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर को आप ऑन पेपर कैसे शो करेंगे तो उसको देखना, आपका ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसको लिखिएगा और जो हमारा यहाँ पर मोनोमर है उसको आप टू टाइम्स लिखिएगा और टू टाइम्स लिखने के बाद जो बीच का यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है उसमें लगाइएगा N-1। तो उससे हो जाएगा कि जो एन मॉलिक्यूल जो ज्वाइन हो रहे थे उसमें से N-1 मॉलिक्यूल तो पॉलीमर बना चुके हैं, लास्ट का मॉलिक्यूल अभी भी हाईली रिएक्टिव है, कैटायोनिक स्पीसीज की तरह एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव साइन है उसके ऊपर अभी भी, तो और भी अगर हम मोनोमर ऐड करते जाना चाहें तो वो हम जो है वो ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा प्रोपेगेशन खत्म हुआ। अब हमारे को लास्ट वाला जो एक काम और बचता है वो है चेन टर्मिनेशन। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा पॉलीमर सफिशियंट बन चुका है, अब हमको चेन को स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने का जो आपका थर्ड स्टेप है उसको हम बोल रहे हैं चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमने प्रोपेगेशन को छोड़ा था उसी को पूरा का पूरा एज इट इज रिराइट करना पड़ेगा। तो हेडिंग आएगी चेन टर्मिनेशन और ये पूरा जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बना था प्रोपेगेशन का उसको पूरा का पूरा आप रिराइट करिएगा। रिराइट करने के बाद हमको स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब हमने SnCl4 के साथ H2O को रिएक्ट कराया था तो H+ निकल गया था जो कि मोनोमर के साथ ज्वाइन होकर के मोनोमर को कैटायोनिक स्पीसीज में कन्वर्ट कर दिया। जो रिमेनिंग पार्ट था जो एनायोनिक पार्ट था, अब उस एनायोनिक पार्ट का यूज हम चेन टर्मिनेशन में करने वाले हैं। तो ये एनायोनिक है, ये निगेटिव है, हमारा जो यहाँ पर पूरा पॉलीमर का लास्ट जो है वो कैटायोनिक है। अब एनायोनिक और कैटायोनिक के बीच में रिएक्शन होने वाला है, जब रिएक्शन होगा इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट को छोड़कर के जो सेकंड लास्ट जिसको अपन कार्बन बोल सकते हैं उस कार्बन से एक हाइड्रोजन का रिमूवल कराना है। तो एक हाइड्रोजन का जब रिमूवल हम कराएंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं, ये यहाँ पर है CH2, इसमें से एक H+ निकालना है, H+ निकालना है मतलब ये होता है कि H+ के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यही के यही वो छोड़ के जाएगा। तो जब वो छोड़ कर जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर छोड़ रहा है वो जाकर के इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाएंगे और ये जो पॉजिटिव है ये भी आपका खत्म हो जाने वाला है। तो यहाँ से H+ निकालिएगा, H+ निकाला तो ये बन गया आपका CH2 जो है वो CH में कन्वर्ट हो गया और जो H+ निकला
उसने क्या किया है, ये OH माइनस के साथ रिएक्शन करके बना लिया है वाटर और SnCl4 जो हमारा इनिशिएटर था वो वापस से हमको मिल गया। और उसके साथ जो है कि हम आगे भी और भी यदि हम चाहें कि पॉलीमर का हम और बनाना चाहें अगर पॉलीमर्स तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा दो क्योंकि ये कठिन चीजें हैं, टफ चीजें हैं, मैकेनिज्म थोड़ी सी टफ जाती है पर अगर हम एक बार समझ लेंगे उसको तो फिर एकदम इजी होने वाला है। तो देखिएगा प्रोपेगेशन में हमने कहा छोड़ा था, इनिशिएशन पे, इनिशिएशन में हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर को बनाया पॉजिटिव, उसके साथ रिएक्शन करे एन मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल रिएक्शन करे तो हमारा पूरे के पूरे मॉलिक्यूल जुड़ते गए, यहाँ पर एन माइनस वन लिखा हुआ है, लास्ट का मॉलिक्यूल हो गया कैटायन। अब इसको हमको स्टॉप करना, स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे जो हमारा इनिशिएटर था उसका जो नेगेटिव वाला पार्ट था, एनायनिक वाला पार्ट था, उसके साथ ही हम रिएक्शन करेंगे। ये नेगेटिव आयंस यहाँ से एक H प्लस को रिमूव कर देगा, जो अंदर हमने एंट्री कराई थी ना वहीं से, समझ लीजिए आप वहां से दूसरी जगह से इसको हमने निकाल लिया। तो जैसे ही वो निकाला तो वहां का H प्लस और यहाँ का OH माइनस ये बना लेगा वाटर और SnCl4 एज इट इज हमको मिल गया। और लास्ट में हमारा जो मॉलिक्यूल जो एक कैटायनिक सेंटर दिख रहा था, हाईली रिएक्टिव साइड से दिख रही थी, अब वो खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर वो जो कैटायनिक है अब यहाँ पर खत्म हो गया और ये भी आपका जो ये वाला एंड है ये भी न्यूट्रल हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर फाइनली मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट किया है। और यदि इसमें आपको कहीं कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमको कुछ कोई स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन पे आप जरूर उसको लिख करके दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि उनका भी एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से दे सकूं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स देखें ताकि सभी को उसका जो है वो बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।